इस जगह से हम लोग का जाने का बस दो या फिर तीन रीजन होगा, क्योंकि ये हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल असल ब्लॉग्स पर। सो गाइस, आज है 7 जुलाई 2021 और अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं अभी आया हूँ, देख सकते हैं पीछे है टी गार्डन। और जैसे कि आप सबों ने थंबनेल में देख चुका कि आज से 21 साल पहले हम लोग का घर यहाँ पे था, तो अभी देख सकते हैं पीछे इधर पूरा का पूरा टी गार्डन लगाया हुआ है। और अभी से 21 साल पहले हम लोग का घर यहीं पे ही था, तो अभी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा कि यहाँ कहाँ पे किसका घर था और कहाँ पे हम लोग का घर था, सारा कुछ आप लोगों को इस छोटा सा वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप इधर जो देख सकते हैं इधर पूरा का पूरा इधर टी गार्डन लगाया गया है। यहाँ से अभी आप लोगों को एक बार दिखा दूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया में आप लोगों को नज़र आ रहा है, इधर था इस यहाँ पे एक छोटा सा गांव था, उसका नाम था गेलिया लेन। तो अभी इधर पूरा का पूरा इधर टी गार्डन लगा दिया गया है। तो यहाँ पे था हम लोग का घर, यहाँ पे था हम लोग का सोने का सोने वाला घर था यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग का किचन हुआ करता था उस टाइम। सो फ्रेंड्स, अभी जो इधर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे था हम लोग का घर, और उधर पे एक उधर पे दो तीन घर थे, उधर मेरे अंकल लोग का घर था। और इधर का जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं इधर केवल चार घर था, मतलब कि चार फैमिली यहाँ पे रहते थे। और वहाँ पे एक बड़ा सा नाली है, नाली टाइप का है वहाँ पे, मतलब कि बगान का जो भी जितना कुछ पानी है डायरेक्टली उधर नदी में जाता है, तो उधर एक बड़ा सा नाली है। सो फ्रेंड्स, इधर आप देख सकते हैं इधर जो आपको एक पेड़ नज़र आ रहा है, ये है हम लोग की भाषा में इसे फुटकल का पेड़ बोलते हैं। तो हम लोग जिस टाइम से यहाँ पे थे उसी टाइम से ये पेड़ है, मतलब कि हम लोग का घर जब से यहाँ पे था तब से इस ये पेड़ अभी तक है। और इधर देख सकते हैं उधर नीचे भी एक पेड़ है, और इधर जो आप बांस देख रहे हैं इधर वो भी हम लोग का ही बांस है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी पे अभी यहाँ पे पूरा का पूरा इधर जंगल हो गया है, ये नज़र आएगा नीचे पानी बह रहा है, ये नाला है, ये बड़ा सा एक नाला है। तो नाला के इस तरफ हम लोग का घर हुआ करता था, उधर पे हम लोग का घर था। तो नाला के उस पार आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी 20-25 लोगों का घर हुआ करता था। तो सो फ्रेंड्स, इस गाँव का नाम उस टाइम गेलिया लेन था, और इस गांव का नाम गेलिया लेन कैसे पड़ा वो भी है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता देना चाहता हूं, क्योंकि उस टाइम इस गांव में एक गेलिया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जो कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, और उसी के नाम पे इस गांव का नाम गेलिया लेन पड़ा था। तो अभी यहां के जितने भी लोग अभी दूसरे गाँव में चले गए हैं उस गाँव का नाम भी अभी गेलिया लेन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस जगह से हम लोग का जाने का बस दो या फिर तीन रीज़न होगा, क्योंकि एक तो इस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, हम लोग का जो रात में अंधेरा को दूर भगाने का एकमात्र साधन था लालटेन, यानी कि लालटेन मोमबत्ती और मिट्टी का तेल से जो दिया जलता था उसी से यहाँ का जो मतलब कि रातों का यहाँ पे गुजारा होता था। मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने से जिस तरह से यहाँ पे मतलब कि लोगों के घरों में दिया जलता है उसी तरह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के चलते यहाँ पर लोग लालटेन और एक प्रकार का जो गैस से चलने वाला एक दिया होता था वो जलाते थे। और उस टाइम हम लोग का यहाँ पे जो ब्लैक एंड वाइट टीवी था वो चलता था, जो कि हम लोग के घर में अभी तक है। आप लोगों को मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा कि वो टीवी अभी कैसे दिखता है। और वो टीवी चलता था 24 वोल्टेज का जो बड़ा वाला बैटरी था उससे उस टीवी को चलाया जाता था, जो कि एक सप्ताह या फिर दो सप्ताह आराम से चल जाता था। और यहाँ से जाने का दूसरा रीज़न यह था कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उस टाइम उस 2000 से पहले इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा चोरी डकैती हुआ करता था, जो क्योंकि मेरे ही दादाजी को चोरों ने भाला से 5-6 बार पेट में वार करके मार डाला था, जो कि बहुत ही बड़ा उस टाइम का घटना माना जाता है, जो कि 2000 ईस्वी के बाद वो घटना घटी हम लोग के यहाँ से जाने के बाद जहाँ पर अभी हम लोग रहते हैं। और यहाँ पे रहते थे उस टाइम भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चोरी डकैती हुआ करती थी, चोर डाकू वगैरह लोगों के घर में जितने भी गाय बैल हुआ करते थे उसे चोरी करके ले जाते थे। फ्रेंड्स, मैं उधर वीडियो कॉल कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि
उधर अभी शाम का टाइम है और अभी बहुत ही ज़्यादा उधर हवा चल रहा था, तो इस वजह से मैंने उधर वीडियो को कंटिन्यू नहीं किया। और मैं अभी फाइनली अभी घर पहुँच चुका हूँ। मैं इधर घर के इधर देख सकते हैं बाहरी तरफ हूँ वीडियो बनाने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि अभी से 21 साल पहले हम लोग का घर कहाँ पे था और अभी हम लोग का घर यहाँ पे नीचे लेन में है। तो मैं उधर वीडियो को कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा उधर हवा चल रहा था और वीडियो में बहुत ही ज़्यादा नॉइस आ रहा था, तो मैं डायरेक्टली घर चला आया और अभी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कभी मौका मिले तो मैं और भी अच्छी तरह से कोशिश करूँगा उस जगह को, उस सीन को दिखाने की, क्योंकि मुझको नहीं लगा कि उस वीडियो में और कुछ मैं वहाँ पे दिखा पाऊँगा, क्योंकि आप लोगों को शायद से उधर केवल टी गार्डन ही नज़र आ रहे थे। इस वजह से मैं उधर और ज़्यादा कुछ मैं उधर दिखा नहीं पाया, तो मैं केवल एक्सप्लेन कर दिया कि इधर क्या कुछ था उधर क्या नहीं था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।